नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि व्हाट इज सीवेज, इन व्हाट वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस। तो सीवेज क्या होता है और सीवेज हमारे लिए कैसे हार्मफुल होता है ना। तो सीवेज इज़ अ म्यूनिसिपल वेस्ट मैटर दैट इज़ कैरीड अवे इन सीवर्स एंड ड्रेन्स। तो सीवेज जो होता है वो एक म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो कि लोगों के घर से या किसी भी इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है और वो नालियों में बहता है ना, नाली वगैरह में बहता है, नाली नदी वगैरह उसमें बहा दिया जाता है। सो इसमें दोनों तरह के वेस्ट आते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड, दोनों तरह के वेस्ट आते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैटर में बड़ा ही रिच होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं, है ना। मैनी ऑफ दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक एंड कैन कॉज सेवरल वाटर बॉर्न डिजीज। तो बहुत सारे इस माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। अब आंसर तो आपको पता चल गया होगा हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक होते हैं, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स और वाटर बॉर्न डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो वाटर से लगती हैं, वाटर में कुछ ऐसे पैथोजन होंगे उनसे डिजीज़ लग रही है तो वो वाटर बॉर्न डिजीज़ होगी। अगर एयर में ऐसे पैथोजन है तो वो एयर बॉर्न डिजीज़ होगी, है ना। तो यहाँ वाटर में पैथोजन है तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ का कैरियर होता है सीवेज। सीवेज वाटर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सीवेज वाटर से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है ड्रिंकिंग वाटर का, है ना। हैंस इट इज़ एसेंशियल दैट सीवेज वाटर इज़ प्रॉपरली कलेक्टेड ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीवेज वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाए, उसे ट्रीट किया जाए अच्छे से और उसे कहीं डिस्पोज किया जाए, है ना, फेंका जाए। तो इसी के साथ जो हमारे आंसर है वो ख़त्म होता है, वीडियो भी ख़त्म होती है। सो मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।